ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। दोस्तों देवशयनी एकादशी के दिन भूल से भी ना करें ये काम, वरना आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। कहा जाता है साढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि, जिसे देवशयनी एकादशी कहा जाता है, जिसको कहीं कहीं पर हरिशयनी एकादशी, पद्मा एकादशी या अषाढ़ी एकादशी के नाम से भी जानते हैं। देवशयनी एकादशी जैसे कि नाम से ही पता चलता है, देवों के शयन की एकादशी। माना जाता है इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की निद्रा में चले जाते हैं और अपना कार्यभार भगवान शिव को सौंप जाते हैं। इसके बाद 4 माह की निद्रा योग में रहते हैं और इस दौरान कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य नहीं किया जाता, जिसे सनातन धर्म में चतुर्मास के नाम से भी जानते हैं। कहते हैं इस दिन यदि आप तुलसी से जुड़े कुछ उपाय करते हैं तो वो बहुत ही शुभ माने जाते हैं। व्यक्ति को धन धान्य की प्राप्ति होती है, माँ तुलसी का आशीर्वाद मिलता है। लेकिन दोस्तों इस दिन कुछ ऐसे काम होते हैं जिन्हें करने से बचना चाहिए। यदि आप तुलसी से जुड़ी कुछ ऐसी गलतियां करते हैं तो आपको धन की हानि भी हो सकती है। तो चलिए जानते हैं कि देवशयनी एकादशी पर तुलसी से जुड़ी कौन सी गलतियां करने से बचनी चाहिए। कहते हैं देवशयनी एकादशी के दिन या किसी भी एकादशी के दिन तुलसी पर जल अर्पित नहीं करना चाहिए। दोस्तों हिंदू धर्म में हर घर में तुलसी का पौधा आपको देखने को मिल सकता है और रोज सुबह हम तुलसी पर जल अर्पित करते हैं, लेकिन रविवार के दिन या एकादशी के दिन तुलसी के पौधे पर भूलकर भी जल अर्पित ना करें। तुलसी में माँ लक्ष्मी वास करती है और इस दिन माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती है, तो इसीलिए कहा जाता है कि एकादशी के दिन वो तुलसी पर भूलकर भी जल अर्पित नहीं करना चाहिए। इस दिन तुलसी की पत्तियां नहीं तोड़नी चाहिए। यूं तो हम भगवान विष्णु को उनके भोग में तुलसी अर्पित करते हैं और भगवान विष्णु की तुलसी प्रिय भी मानी जाती है, लेकिन आप तुलसी की इस दिन पूजा कर सकते हैं, तुलसी की परिक्रमा कर सकते हैं, लेकिन इस दिन आपको तुलसी की पत्तियां तोड़नी नहीं चाहिए। यदि आप पत्तियों का प्रयोग भगवान विष्णु की पूजा में आपको करना है एकादशी के दिन, तो पहले से ही आप तुलसी दल को तोड़ करके रख सकते हैं। साथ ही जहां पर आपने तुलसी लगाई है या जिस गमले में लगाई है, वहां पर साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखें। इस चीज का ध्यान रखें कि तुलसी के पास के आसपास में गंदगी नहीं होनी चाहिए, जूते चप्पल आपके वहां पर बिखरे हुए ना हो, या आप तुलसी के पास में भूलकर भी कोई कांटेदार वृक्ष ऐसा ना लगाएं। तुलसी के पास में आप केले का वृक्ष लगा सकते हैं, लेकिन उस केले पर फल नहीं आना चाहिए, ऐसा पौधा तुलसी के पास में लगाना चाहिए। वरना यदि आप तुलसी के पास गंदगी रखते हैं, साफ सफाई नहीं रखते हैं या तुलसी की पत्ती तोड़ते हैं, तो ऐसा करने से माँ लक्ष्मी आपसे नाराज हो सकती है। गंदे हाथों से कभी भी तुलसी को नहीं छूना चाहिए। तुलसी को बहुत ही पवित्र और पूजनीय माना जाता है। कहती है एकादशी के दिन या कभी भी तुलसी को झूठे हाथों से, गंदे हाथों से छूने की गलती ना करें, ऐसा करने से भगवान विष्णु नाराज होते हैं। एकादशी के दिन जब आप तुलसी की पूजा करते हैं या इस दिन आप व्रत रखते हैं भगवान विष्णु का, तो कभी भी काले वस्त्र पहनकर पूजा नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने जो होता है सनातन धर्म में वर्जित माना जाता है, क्योंकि काले रंग के जब आप वस्त्र धारण करते हैं तो ऐसा करने से नकारात्मक शक्तियों का वास या उस नकारात्मक शक्तियां जो होती हैं वो ज़्यादा हावी होती है, तो इन चीज़ों को पहनने से बचना चाहिए। कहते हैं तुलसी के पौधे में माँ लक्ष्मी वास करती हैं। रोज सुबह नहाने के बाद में जब आप तुलसी पर जल अर्पित करते हैं तो ऐसा करने से धन की कमी दूर होती है, माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। साथ ही अक्सर लोग पूजा पाठ के लिए हम तुलसी का पत्ता तोड़ते हैं, तो आपको तुलसी का पत्ता तोड़ते समय इस मंत्र का आपको जाप करना है या इस मंत्र को बोल सकते हैं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और पूजा का फल भी मिलता है। जब आप तुलसी का पत्ता तोड़ते हैं तो उस समय आपको ओम सुभद्राय नमः मंत्र को बोलना चाहिए। मंत्र को बोलते हुए तुलसी का पत्ता तोड़ना चाहिए, ऐसा करना शुभ होता है। तुलसी के पत्ते को कभी भी नाखून से या खींचकर नहीं तोड़ना चाहिए, हमेशा उंगलियों से तुलसी के पत्ते को तोड़े। कहते हैं यदि आप पैसों की तंगी का सामना कर रहे हैं तो तुलसी के पौधे की आपको रोजाना पूजा करनी चाहिए। शाम के समय तुलसी पर दिया जलाना चाहिए। जब आप दिया जलाते हैं तो चावल का आसन जरूर लगाएं, ऐसा करने से आर्थिक तंगी दूर होती है और माँ लक्ष्मी को चावल सबसे अधिक प्रिय होते हैं, तो इसलिए दिया जलाते समय चावल का आसन जरूर लगाइए। दौरान जब आप तुलसी की पूजा करते हैं तो उस समय दीपक जलाने से कहा जाता है घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। घी का दिया जलाना शुभ माना जाता है। यदि आपके पास में घी नहीं है तो आप तिल के तेल का दिया भी अर्पित कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आपके घर में कलह कलेश होता है या हर समय छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा होता है, तो तुलसी की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। साथ ही तुलसी हमेशा घर की सही दिशा में लगाइए। दोस्तों जब आप तुलसी सही दिशा में लगाते हैं तो ये आपके घर के वास्तु दोष को भी दूर करती है। इस तरीके से जब आप तुलसी लगाते हैं तो आपको पूजा का फल जरूर मिलता है। हिंदू पंचांग के अनुसार साढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ जो होगा वो 16 जुलाई की रात 8:33 पर होगा और एकादशी तिथि का समापन 17 जुलाई को बुधवार के दिन रात 9:02 पर होगा। उदय तिथि के आधार पर ही व्रत या त्यौहार रखे जाते हैं, तो देवशयनी एकादशी का व्रत 17 जुलाई को रखा जाएगा। देवशयनी एकादशी पर सिद्ध योग भी बन रहा है। कहते हैं इस दिन तामसिक चीजों से दूर रहना चाहिए। व्यक्ति को भूल कर भी चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन आपको सात्विक ग्रहण करना, भोजन ग्रहण करना चाहिए, अच्छे विचार मन में लाने चाहिए। कहते हैं
एकादशी का व्रत जो लोग रखते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि आप हर महीने की एकादशी का व्रत नहीं रख सकते तो जो बड़ी एकादशी आती है जैसे कि आंवला एकादशी आती है या निर्जला एकादशी आती है या देवशनि एकादशी आती है या और कोई महीने की जो खास एकादशी आती है इन पर आप व्रत रख सकते हैं। ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। और यदि आप व्रत नहीं भी कर सकते हैं तो इस दिन चावल या चावल से बनी कोई भी चीज़ है जैसे कि पोहा है पुलाव है तो उन चीज़ों का सेवन ना करें। इस दिन कहते हैं चावल खाने से मनुष्य को रेंगने वाले जीव की योनि मिलती है। इसके अलावा एकादशी के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। मन में किसी भी तरीके का बुरा विचार नहीं लाना चाहिए, ना ही किसी को बुरा बोलना चाहिए। अपने मन में केवल भगवान के लिए आपको भावना रखनी है, आस्था रखनी है। इस दिन भगवान विष्णु की आराधना जब आप करते हैं तो भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान कराइए। सुबह सवेरे उठकर जल्दी से व्रत का संकल्प लेना चाहिए, सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। इसके बाद भगवान विष्णु की पूजा के लिए उनके भोग में उनके जो पूजा आप करते हैं उसमें आपको पीले रंग के वस्त्र, पीले रंग के फूल, पीली मिठाई, इन चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए। जब एकादशी की पूजा करते हैं तो भगवान विष्णु की मूर्ति को गंगा जल से स्नान कराइए, उनको पीले रंग की फूल अर्पित कीजिए, माला अर्पित कीजिए, चंदन का तिलक लगाइए, पान सुपारी इलायची आप अर्पित कर सकते हैं। भगवान विष्णु के सहस्त्रनाम का पाठ करें, विष्णु चालीसा का पाठ कर सकते हैं, पीली मिठाई का उनको भोग लगाइए, भगवान विष्णु की आरती कीजिए और उनके मंत्रों का जाप करें। ऐसा करने से भी एकादशी व्रत के करने का फल मिलता है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आज इस वीडियो के माध्यम से आप जान पाए होंगे कि एकादशी के दिन तुलसी से जुड़ी कौन सी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए और कौन कौन से कार्य ऐसे कार्य हैं जो हमें एकादशी के दिन ज़रूर करने चाहिए। वीडियो अगर पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ में लाइक शेयर जरूर करें। मिलती हूँ नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।